Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 13.1. Hello everyone. Today I am going to start with chapter 13 of class 8 understanding shapes. ये चैप्टर हम लोग क्लास 7 में किए हैं. अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता ही होगा. बट स्टिल बिफोर स्टार्टिंग दी एक्सरसाइजेस हम ब्रीफ में कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं. सो लेट अस बिगिन विद कर्व्स. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारा फिगर ड्रॉ किया हुआ है एंड द टॉपिक इज कर्व एंड कर्व्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्लेन कर्व्स, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व. अब ये कर्व क्या है? सो फ्लैट सर्फेसेज आर नोन एज प्लेन. ये हम लोगों को पता है ना. दिस इज अ बुक विच इज फ्लैट, हेंस इट इज अ प्लेन, राइट? एग्जाम्पल देखिए, पेज ऑफ योर नोटबुक, टॉप ऑफ अ टेबल एंड सो ऑन. सो इफ वी पुट द शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, देन द शेप सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द प्लेन कर्व्स. फॉर इंस्टेंस फिगर 1, हम यहाँ पे ये देखिए, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है. तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम किसी भी तरीके से द वे यू वांट एक कर्व बना के यहाँ स्टॉप कर दिए. तो ये क्या हो गया? लाइन ड्रॉ किया हुआ है इन अ कर्वी मैनर बट दैट टू ऑन अ प्लेन सरफेस. सो फार क्लियर. अब आगे है ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व. अब ये क्या है? The curve which have different beginning and end points are called open curve. जो अभी हम लोग फर्स्ट किए ना, ये वाला, this was the starting point and this was the ending point, दोनों ही different है, hence ये open curve है. Now let us talk about the second figure. If I start drawing the diagram, the circle, and ultimately I meet the starting point, तो starting and ending point are the same, वो हो जाता है क्लोज्ड कर्व. क्लियर. अब है सिंपल कर्व. अब ये क्या है? अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड द सिंपल कर्व. ये देखिए, ये है सिंपल कर्व, राइट? लेकिन ये एक दूसरे को कहीं क्रॉस किया? नो. कौन सा फिगर क्रॉस कर रहा है? ये, राइट? तो इसीलिए द फिगर विच इज नॉट क्रॉसिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड द सिंपल कर्व. तो यहाँ पे एज यू कैन सी, दिस इज सिंपल कर्व, दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व. इवन ये जो है देखिए, एट बना है, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर. इवन दिस इज ऑल्सो नॉट अ सिंपल कर्व. बट ये जो एट है, ये भी देखिए एक दूसरे को कट कर रहा है, हेंस दिस इज ऑल्सो नॉट अ सिंपल कर्व. तो सिंपल कर्व यहाँ पे क्या हो गया? 1, 2, 3, 6 and 7. नाउ लेट अस लुक एट फिगर 2 and 3. ये एक क्लोज कर्व है. वाई? बिकॉज दे हैव द सेम बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट, हेंस इट इज क्लोज्ड. और ये सिंपल क्यों है? एज दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग ईच अदर. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सिंपल क्लोज कर्व. नाउ सिंपल क्लोज कर्व आपको समझ में आ गया, जो कि ओवरलैप नहीं कर रहा है और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही है. ये हो गया इनक्लोज्ड एरिया. अब इसमें इंटीरियर ऑफ द कर्व क्या है? कर्व के अंदर क्या है कौन सा पॉइंट? ए, राइट? एक्सटीरियर क्या है? वेरी इजी, बी. और बॉर्डर लाइन पे कौन है? बाउंड्री ऑफ द कर्व, दैट इज पॉइंट सी. जो कर्व सिंपल क्लोज कर्व के अंदर है वो हो गया इंटीरियर ऑफ द कर्व. जो सिंपल क्लोज कर्व के बाहर है that is known as exterior of the curve. और जो boundary पे है that is known as boundary of the curve. Now we are going to study about polygon. Now what is it? A simple closed curve made up entirely of line segments is called a polygon. ये देखिए simple closed curve जिसके बारे में just अभी मैंने आपको समझाया, but it is made up of entirely line segment. So यहाँ पे देखिए फिगर 1, 2, 3 and 4. They are all simple closed curve made up of entirely of line segment. As you can see, straight lines है जो कि फॉर्म हुआ है हर जगह. hence they are simple closed curve और उसको बोलते हैं पॉलीगन which is made up of line segments. तो अब आप हमसे पूछेंगे कि मैम फिगर 5, फिगर 7 इज ऑल्सो अ पॉलीगन. जी नहीं, वो पॉलीगन नहीं है. क्यों? बिकॉज दे आर क्रॉसिंग ईच अदर एंड हेंस दे आर नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व. सो कीप दिस इन माइंड. सो 5 और 7 नहीं है. ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए इन द अबव फिगर 5, 6, 7, 8 आर नॉट पॉलीगन. तो 5 और 7 तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया. What about 6 and 8? तो याद रखिए यहाँ पे ये एक कर्व है, ये एक कर्व है. Hence they are not polygon. तो याद रखिए पॉलीगन जो है it is entirely made up of line segments. उसमें कोई overlapping या intersection नहीं होना चाहिए और उसमें कोई कर्व ही नहीं होना चाहिए. Now I hope this is also clear. अब हम लोग बात करेंगे size, vertices and diagonal of a polygon. As you can follow the figure here, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sides है of a polygon. Of a polygon having 5 sides is known as pentagon. इसके बारे में आगे अभी हम लोग और पढ़ेंगे. तो पहले ये समझते हैं the line segments forming the polygon are called its sides. तो ये जो line segment है ED, DC, BC, AB, AE, these are all line segments which is forming the polygon and they are known as sides. ठीक है, it has 5 sides जैसे कि मैंने आपको काउंट करके बताया. Now the meeting point of the pair of consecutive sides is called the vertex of the polygon. It has 5 vertices A, B, C, D and E. तो मतलब ये जो लाइन जो मीट कर रहा है वो है पॉइंट्स which are known as vertices. और यहाँ पे 5 points है since it is a pentagon. Next, the line segments formed by joining non-adjacent vertices are called diagonal of the polygon. Diagonal, I'm sure आप सब काफी familiar होंगे ये वर्ड से. ना यहाँ पे diagonal क्या है? The line segments formed by joining non-adjacent side. तो ये देखिए ED का adjacent side क्या है? DC और EA. और नॉन एडजेसेंट क्या हो गया? नो डाउट ई का ऑपोजिट है सी. इसको हम लोग इस तरह से ज्वाइन किए एज जस्ट फॉलो द फिगर. राइट, ये देखिए ऑपोजिट पॉइंट्स और ऑपोजिट वर्टिसेस को हम लोग यू ज्वाइन कर रहे हैं. दीज आर ऑल डायगोनल. अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन. नाउ व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन? A polygon in which each interior angle is less than 180 degree is called a convex polygon. ये देखिए ये सारा पॉलीगन बना हुआ है और इसका हर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. क्लियर? और पॉलीगन इन विच नो पोर्शन ऑफ एनी ऑफ द डायगोनल्स लाइज एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन आर कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन. अब इसका डायगोनल बनाते हैं. ये देखिए ये सारा डायगोनल इंटीरियर में है, कुछ भी एक्सटीरियर नहीं गया. राइट, एज यू कैन सी हियर. ये देखिए तो एज यू कैन सी ये जितने भी डायगोनल्स है वो सारे इंटीरियर में ही है. राइट डायगोनल तो आप जितने भी निकाल सके. अब हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव पॉलीगन. ये क्या है? अ पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. ऑलराइट, और इसमें जब हम लोग डायगोनल बनाते हैं तो इसमें एटलीस्ट एक डायगोनल जो है वो पॉलीगन के बाहर पड़ता है. कैसे? ये देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये है डायगोनल. अगर हम इसको कवर कर देते हैं तो एक्चुअल फिगर क्या है? एक्चुअल फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ये है. तो ये सिंपल क्लोज्ड है, दे आर नॉट ओवरलैपिंग, सब कुछ सही है. पर उसमें से एक जो पॉइंट है, एक जो एंगल है इंटीरियर में, दैट इज मोर देन 180 डिग्री. फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ कॉनकेव पॉलीगन. और दूसरा, जब हम लोग डायगोनल बनाएंगे ये देखिए एक डायगोनल ऐसे बना, फिर इस एंड को इस एंड से मिलाएंगे तो ये डायगोनल कहाँ फॉर्म हो रहा है? Outside the figure. Hence it is concave polygon. Similarly ये देखिए दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। अब बहुत सारे डायगोनल बनेंगे इसमें, ये देखिए ऐसे ऐसे, पर ये जब हम लोग बनाने जा रहे हैं सो ये डायगोनल कहाँ फॉर्म हो रहा है, आउटसाइड द फिगर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड और वर्टिसेस। सो नंबर ऑफ साइड और वर्टिसेस 3 अगर है तो फिगर जो फॉर्म हो गया वो है ट्राइंगल। 4 दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड्स और वर्टिसेस पेंटागन। 6 इज हेक्सागन। 7 इज सेप्टागन और हेप्टागन। 8 इज ऑक्टागन। 9 नोनागन। 10 डेकागन। और अगर 10 साइड्स या 10 वर्टिसेस से ज्यादा कोई फिगर है सो वी कॉल इट एनगॉन। फॉर इंस्टेंस किसी फिगर में अगर 14 साइड्स है या 15-16 साइड्स है तब हम लोग क्या बोलेंगे, 14 गॉन, 15 गॉन, 16 गॉन, एवरीबडी गॉन। क्या करें बाबू, हंसना भी जरूरी है, वैसे ही मैथ से तो बच्चे डरते हैं। तो आई जस्ट ट्राइंग टू मेक इट थिंग्स इजियर फॉर यू। तो वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन काफी लेंदी है। सो माई एडवाइस विल बी फॉर यू ऑल कि बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस प्लीज गो थ्रू the solved examples which has been given in the book. Follow the book well. ठीक है, क्योंकि अगर हम सब कुछ एक्सप्लेन करने लगेंगे तो वीडियो काफी लेंथी, टायरिंग और बोरिंग हो जाएगा। क्लियर? सो लेट मी नाउ स्ट्रेट अवे बिगिन विद एक्सरसाइज 13.1. नाउ एक्सरसाइज 13.1 द फिगर्स हैव बीन गिवन बिलो और हम लोगों को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट वन सिंपल कर्व। तो इसमें से सिंपल कर्व क्या है, रिमेम्बर द कर्व द लाइन सेगमेंट्स विच डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। तो उसमें से देखिए 1 2 3 ये ओवरलैप कर रहा है, हेंस ये नहीं है। सो 1 2 3 5 6 आर सिंपल कर्व। अच्छा फिगर 8 जो है दिस इज नॉट फॉलिंग इन सिंपल कर्व। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे देखिए रूल क्या है कि हम लोगों को पेंसिल उठाना नहीं है और उसी में ही सारा शेप्स बनाना है। तो यहाँ पे दो सर्कल बनाने के लिए वी हैव टू लिफ्ट द पेंसिल। तो इसीलिए ये जो है नंबर 8 ये किसी भी सेक्शन में नहीं आता है। नेक्स्ट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। नाउ सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा हो गया, नंबर 3, नंबर 5 as well as number 6. Done. फिर हो गया पॉलीगन। पॉलीगन यहाँ पे कौन सा है, 3 and 6. Got it? अब बोला गया है कॉन्वेक्स पॉलीगन। Now कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है, रिमेम्बर सारा डायगोनल अंदर होना चाहिए और द एंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री। तो कॉन्वेक्स में आपका हो गया नंबर 3, वन एंड ओनली नंबर 3. देन कम्स कॉनकेव पॉलीगन जहाँ की एक डायगोनल एक्सटीरियर पड़ता है, फिगर के बाहर पड़ता है एंड एनी वन ऑफ द पॉइंट इज मोर देन 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाता है फिगर नंबर 6, दैट इज अ कॉनकेव पॉलीगन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, जस्ट लेट मी ड्रॉ अ स्केच हियर समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, अब इसमें कितने डायगोनल्स हम बना सकते हैं, 2, नॉट मोर देन दैट। सो हाउ मेनी डायगोनल डज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज, इट हैज 2 डायगोनल्स। नेक्स्ट इज अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मीन्स हैविंग 6 साइड, 1 2 3 4 5 and 6. सो चलिए डायगोनल बनाते हैं। ऑल राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. सो अ रेगुलर हेक्सागन हैज 9 डायगोनल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, it says find the sum of measures of all interior angles of a polygon with number of sides. The first one is 8. All right, so number of side is 8 and we need to find the sum of measures of all the interior angle. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज ब्रैकेट ओपन एन माइनस टू ब्रैकेट क्लोज इन टू 180 and what is n? n is the number of sides. All right? So number of side क्या दिया हुआ है 8 minus 2 into 180 6 into 180 that gives us the answer 1080 degree. ये है the sum of the measurement of the interior angles of the given polygon of 8 sides. Next one, number of side this time is 12. So formula is the same n minus 2 into 180. So 12 minus 2 into 180. So 10 into 180 gives us 1800 degree, and this is the answer.